हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस, स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर यूपीएसआई की नई भर्ती की महाघोषणा यहाँ पर हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, 6000 पदों पर दोस्तों नई भर्ती आपकी होने वाली है। अगर आपको भी दरोगा की भर्ती का इंतजार था तो भाई आपका जो इंतजार है अब खत्म हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कब से शुरू होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से देने वाला हूँ। तो भाई पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में ज्यादा बकवास ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके यहाँ पर जो दरोगा की भर्ती है वो कब से यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोस्तों जो न्यूज़पेपर है वो 25 फरवरी 2020 का है। यहाँ पर आप दोस्तों ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा है, भर्ती बोर्ड ने शासन को भेजा उप निरीक्षक नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि उप निरीक्षक एसआई में दोस्तों आपकी जो नई भर्ती है उसमें नई नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने भेज दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सारी जानकारी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगी। सबसे शुरू में दोस्तों पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि लखनऊ भर्ती बोर्ड ने उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं उप निरीक्षक और दोस्तों निरीक्षक दोनों दोस्तों भर्ती यहाँ पर होने वाली है। इसका जो प्रस्ताव है वो भर्ती बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर भेज दिया है, जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुरानी प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की मार्किंग को लेकर कुछ मतभेद थे। 2016 दरोगा भर्ती प्रक्रिया में अंकों की गणना को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे और अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जो 2016 में जो आपके एसआई की भर्ती हुई थी उसमें दोस्तों यहाँ पर आपके जो पेपर हुआ था उसको लेकर दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो आपकी हाई कोर्ट पहुंच गई थी। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो भी संशोधन यहाँ पर करने वाली है सरकार, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो भर्ती बोर्ड है इसमें नए नियम यहाँ पर लगाने वाला है। उप निरीक्षक की भर्ती में यानी कि एसआई की भर्ती में आपके यहाँ पर नए नियम लगने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि न्यायालय का कहना था कि अंकों की गणना किस आधार पर हो इसका निर्धारण शासन करे, जबकि मौजूदा भर्ती नियम वाले में अंकों की गणना किस आधार पर की जानी है इसके निर्धारण का अधिकार भर्ती बोर्ड को दे दिया गया है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को कोई विवाद न हो इसलिए इसके लिए भर्ती नियम वाले में भी संशोधन का निर्णय लिया गया है। जल्दी इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जहाँ से कैबिनेट के द्वारा नियम वाले में संशोधन के बाद दरोगा 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो 6000 है। जो दरोगा की वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6000 पदों पर दरोगा की भर्ती दोस्तों यहाँ पर होने वाली है। और दोस्तों देखिए कब से होने वाली है, तो यहाँ पर लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 6000 पदों पर। अभी दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट को संशोधन देना बाकी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 49568 के रिजल्ट के आने के बाद यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट अभी रह गया है 49568 वाली का। इसके रिजल्ट को आने के तुरंत बाद ही इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड अभी आपके जो यहाँ पर रिजल्ट है ऑफिशियल यहाँ पर जो रिजल्ट है आपका जो 49568 की फाइनल रिजल्ट को लेकर भर्ती बोर्ड थोड़ा बिजी चल रहा है। उसको यहाँ पर रिजल्ट को निकालने के बाद आपकी यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी एसआई की भर्ती के। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके मार्च के महीने में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपके इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे मार्च के फर्स्ट वीक में। दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी न्यूज, जिसमें दोस्तों मैंने बताया कि आपको यहाँ पर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो नई भर्ती है उसमें दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एसआई की भर्ती में। तो आज से दोस्तों अपनी जो स्टडी है उसे चालू कर दीजिए। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका ही दोस्तों फायदा है, क्योंकि दरोगा की भर्ती के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कांस्टेबल के मुताबिक, तो आप सभी जानते हैं। तो अपनी जो स्टडी है मुझे आज से ही दोस्तों मजबूत करें और अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दें, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे थे उसको ज़्यादा टाइम दें, जिससे कि आपकी जो स्टडी है और बेहतर हो सके। और आप जो आपके कहने वाले हैं, जो आपको ज़्यादा कहते हैं कि आपका कहीं नंबर नहीं आएगा, अब उनको कर कर दिखाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं और इस वर्दी को हम भी पा सकते हैं। आपके पास वर्दी है तो इसमें ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हमको भी ये वर्दी जरूर मिलेगी, क्योंकि वर्दी उसी के पास जाएगी जो भाई मेहनत करेगा।
तो आज से आप मेहनत से स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा की फालतू वीडियो मत देखिए और अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। आज से दोस्तों आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है और किसी की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।